ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ और पूरा देश एक संकट दे समय चो निकल रहा और पंजाब उस तो कोई अलग नहीं गा और इसका इको एक हल जड़ा इस महामारी तो बाहर निकलता है वो है कोरोना वैक्सीन लगवाण दा। इस वास्ते केंद्र दी सरकार ने हुण तक 20 करोड़ तो वध लोगों नूं मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई है और पंजाब दे विच 50 लाख के करीब फ्री वैक्सीन जिहड़ी हैगी है केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई जिहड़ी कि लोगों तक पहुँची है। मन क्यों दुखी होंदा है कि पंजाब सरकार ने अपने हिस्से की जिहड़ी वैक्सीन 400 रुपए च कंपनियों कोलों खरीदी उस नूं मुफ्त दे विच आम जनता नूं नहीं लगान दा, आम जनता नूं लगान वास लगान दी बजाए मुफ्त दे विच वो प्राइवेट हस्पतालां नूं 1060 रुपए च बेचती, यानी कि 660 रुपए दे मुनाफे दे उत्ते बेच दित्ती और उन्हां हस्पतालां ने यह वैक्सीन 1560 रुपए दे विच अगे लोगों नूं लगाई। मैं तुहानू सारयां नू पुछना चाहना, एक पासे ते पंजाब दी जनता NGOs ईवन असी भी या होर भी पार्टियां फ्री वैक्सीन वास्ते लवाण वास्ते लगाण वास्ते कैंप लगा रही ने, लड़ रही ने कि भी लोगों नू वध तो वध वैक्सीन लग जाए ताकि किसी जान माल का नुकसान ना हो। दूजे पासे जिहड़ी वैक्सीन फ्री लोगों नू लगानी सी पंजाब सरकार ने वो बेची 660 रुपए का मुनाफा कमाण वास्ते। ये सीधा सीधा पंजाब की जनता दे जान दे नाल खिलवाड़ नहीं गा, उन्हां दी जान माल नूं खतरे च पाउण दा काम नहीं गा, क्योंकि पंजाब की हर एक गरीब जनता जिहड़ी हैगी है इहन ओह प्राइवेट हस्पतालां च जाके इंजैक्शन नहीं लवा सकदी पेमेंट करके 1500 रुपया। सिर्फ चुनिंदा लोग ने जिहड़े 1560 रुपए दे विच वैक्सीन लवाउण वाले ने। ज़्यादातर जनता जिहड़ी हैगी है वो कैंपां दे विच सिविल अस्पतालां दे विच जाके वैक्सीन लवा रही है। पंजाब की सरकार ने 1,14,000 वैक्सीन अपने कोटे चो खरीदी सीगी, जिस चो 80,000 ये वैक्सीन जिहड़ी हैगी है उसने बेची है, यानी कि सीधा सीधा 5 करोड़ का मुनाफा कमाण का काम किया। सरकारां का काम मुनाफा कमाना नहीं होंदा, सरकारां का काम होंदा जनता की सेवा करना, जनता नूं सुविधा उपलब्ध कराना। लेकिन ये सरकार जनता की जान माल दे उत्ते पैसे कमाण लगी है, उन्हां दी लाशां दे उत्ते पैसे कमाण लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस घिनौनी हरकत दे उत्ते कड़े शब्दां च निंदा करदी है और पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दे इस्तीफे की मंग करदी है। जे थोड़ी जी भी नैतिकता हैगी है, थोड़ी जी भी शर्म हया हैगी है तुहानू, ते बलबीर सिंह सिद्धू नू अज शाम तक रिजाइन कर देना चाहिए है। और जे रिजाइन नहीं करते तो मुख्यमंत्री दे विच भी जे थोड़ी जी भी शर्म हया बची है तो शाम तक उस नू डिसमिस कर देना चाहिए। कोरोना की महामारी होवे और असी इस तरह के घिनौने कांड करिए पैसे कमाइए, तुसी सारे ने देखिया वेंटीलेटर्स नाल भी इन्होंने यही किया। केंद्र सरकार ने 809 वेंटीलेटर आम जनता की सहूलियत वास्ते कोविड के दौरान भेजे, इन्होंने उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बंदे बंद डब्बे च पे ने और बहाना की लाता कि यह खराब ने। भाई जिन्होंने तुसी इंस्टॉल नहीं किया वो खराब कितों हो गए? जे इंस्टॉल किते कुछ वो क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि इन्होंने को टैक्नीशियन नहीं सीगा। वेंटीलेटर चलाने वास्ते टेक्निकल स्टाफ चाहिए,
वो किन्नी ऑक्सीजन प्रेशर रखना किन्ना वह वायरिंग करनी है जो सिस्टम हैगा वह टैक्नीकल पार्ट वो टैक्नीशियन ही हैंडल कर सकता है तुहाडे मेरा वर्गा अनजान आदमी कोई भी नहीं कर सकता। इन्होंने उस काम भी वो किया यही नहीं किया इन्हों के कोल जोड़े अपने वेंटीलेटर पहले सिविल अस्पतालों पे सके वो भी सारे सारे बंद पे रहे या इन्होंने वो वेंटीलेटर जोड़े है ने प्राइवेट हस्पतालों देते। मैं तो मंग करता वा अज तुहाडे माध्यम के नाल इहदी भी इनकुआरी की जाए कितने ये कोई घोटाला तो नहीं है। मैं तुम्हें दसना चाहना गुरदासपुर के दो वेंटीलेटर सन सिविल अस्पताल दोनों दोनों नहीं चल रहे थे। पठानकोट 18 से 18 से 18 नहीं चल रहे। रोपड़ 10 से 10 के 10 नहीं चल रहे थे। तरन तारण के 3 के 3 नहीं चलते पे। फिरोजपुर 7 के 7 नहीं चलते पे। मुक्तसर 4 के 4 नहीं चलते पे। मानसा 4 के 4 नहीं चलते पे। फाजिलका 6 के 6 नहीं चले। ऐसे यही हाल जो है वह अपने फतेहगढ़ साहब मोगा लुधियाना तो मोहाली का एक कड़ा स्कैंडल है। जे एक साल करोना की महामारी नू आया तो एक साल तो वध हो गया। ये टैक्निकल स्टाफ इन्हों वेंटीलेटर चलाने वाला किन्ने भर्ती करना सीगा। वेंटीलेटर वास्ते एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स किन्ने भर्ती करने सीगे। भारतीय जनता पार्टी इन्हों पुछना चाहती है इन्हों तो जानना चाहती है कि हुण तक दसो किन्ने टैक्नीशियन भर्ती किए किन्ने एनेस्थीसिया के डॉक्टर भर्ती किए क्यों नहीं सिविल अस्पतालों के वेंटीलेटर की सुविधा। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के जिहड़ा भी बंदा वेंटीलेटर से चला जाता है वह घट्टो घट एक दिन का खर्चा 50,000 तो लख रुपये तक चार्ज हो रहा। यह सारा स्कैंडल तो नहीं है कि यह सारे जांच का विषय है। और पंजाब सरकार कोविड के दौरान चाहे फ्री राशन मोदी सरकार ने भेजा 8 महीने का और चाहे 2 महीने का हूँ तो फ्री राशन 1.41 करोड़ तो वध पंजाब की जनता वास्ते भेजा यानी कि लगभग 3 करोड़ के करीब पंजाब की जनता है। हर दूसरे बंदे वास्ते मोदी सरकार ने मुफ्त राशन भेजा कि वो मिलया जरा पिछला 8 महीने का भेजा सीगा सारे ने कवरेज की है किवें कांग्रेसी लीडर के घर उन्होंने स्कूलों के उन्होंने गोडाउनों के जनता को फ्री राशन जो गरीब जनता को पहुँचना सगा उन्होंने गोदामों छड़ता रहा या उन्होंने मार्केट के बेचा। हूँ भी 2 महीने का मई जून का मोदी सरकार ने 2 महीने का 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज भेजे है। मैं पूछना चाहना वो किन्ने लोगों को मिले। पंजाब सरकार पंजाब की जनता की जान माल नाल खिलवाड़ कर रही है। गरीबों की मदद तो की करनी उन्होंने लुटन से लगी हुई है। असी एक बार फिर मंग करते हैं कि बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री पंजाब शाम तक अपना इस्तीफा देन जे नहीं देंदे तो मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंदे हुए उन्होंने सस्पेंड करन डिसमिस करन यही साड़ी मंग है। अनिल सरीन ने पंजाब सरकार को आगाह किया कि वह करोना संकट च प्राइवेट हस्पतालों वैक्सीन वेच के पैसे कमाने की होड़ छड़ के सूबे के नागरिकों को सरकारी हस्पतालों के कैंपा के माध्यम नाल निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा जनता को करोना जहे दानव तो बचाउण दा यतन करे नहीं तो राज की जनता उन्होंने कदे भी मुआफ नहीं करेगी। इस मौके भाजपा के जिला प्रधान राम गुप्ता जिला प्रैस सकत्र डॉक्टर सतीश कुमार आदि मौजूद सन। लुधियाना तो जानी तैशी लई बिक्रम की रिपोर्ट।